सो गाइस अभी इन सब ने मेरे को चाय पार्टी ऑफर किया, चाय ऑफर किया। जैसे क्योर होता है ना, वैसे बदरोइन की छिटलाई होती है, तो वो खाने जा रहा है। हाँ, यहाँ के लोग मेरे को लगता है पिछवाड़ा कैसे धोते होंगे भाई। भाई पीछे से डर जाता है। ओह गाइस, ओह भाई बंदा। काका नहीं जो गोदी में खेलता है, दुदू पीता काका नहीं, दूसरा वाला काका कौन सा काका, वो जो बोलता है बिल्लो बग्गे बिल्ले अंदर की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले अंदर की करेंगी, तो आप लोग ये नहीं समझना कि दुदू पीने वाला काका ना, दुदू पीने वाला काका नहीं, दुदू पीने वाला काका तो मैं हूं। बोल तू है। मैं नहीं हूँ, दुदू पीने वाला नहीं हूँ मैं तो। अब तो मेरी उम्र कुछ और पीने की है ना। सही बात है ना। अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं मैच्योर हो गया हूँ यार, मैच्योर। यहाँ से व्यू चेक करें, आपको मैं व्यू दिखाना चाहता हूँ गाइस। कितना सेक्सी व्यू है भाई, बस अब चेक करें। जैसे आपका भाई सेक्सी है, वैसे व्यू भी सेक्सी है। इसी दो, जब दो सेक्सी चीजें एक साथ होती हैं तो क्या होता है बताइए मुझे, क्या होता है बच्चे? नहीं, क्या होता है, क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या होता है। जो भी होता है वो नेक्स्ट लेवल चीज होती है, इसलिए बिना किसी रुकावट के शुरू कर दिया वीडियो, नेक्स्ट लेवल कंटेंट वाला। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दो, कर दो। मतलब इतनी देर का, आज 28 दिन के बाद आपका भाई व्लॉग बना रहा है। एनर्जी देख रहे हो आप, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि मैं मतलब संपूर्ण हो चुका हूँ। संपूर्ण समझ रहे हो, एक संपूर्ण वर्ड हिंदी का शब्द है, संपूर्ण हो चुका हूँ। मतलब मतलब लड़की मिल चुकी है। हाँ? मतलब लड़की मिल चुकी है। नहीं नहीं, मतलब दो दिल मिल रहे हैं कहीं चुपके चुपके, है ना ये गाना। क्या क्या बोलना चाहते हो आप, डर लगा आप लोगों को? लड़ाई हो गई, पागल आ गया। और क्या, मैं पागल से कम थोड़ी हूँ यार, पागल ही हूँ, जहाँ जाता हूँ पागलपंती करता हूँ टॉप की। ये आप कहाँ से? साज गाँव हुआ, जहाँ पे तू खड़ा है, जहाँ पे तू रह रहा है, यही साज है। Nice to meet you. तो आज हम रुके हुए हैं यहाँ पे, मतलब भद्रवाह में एक साज वैली रिजॉर्ट है, वहाँ पे रुके हैं। और भैया यहाँ पे मैंने सुना काका यहीं पे रुकने वाला है आज। पक्की बात है? आप मेरी उसका सेटिंग करा दोगे ना कैन वाली? पूरी पूरी 100% है। कितनी सेटिंग होगी? फुल, मतलब हम दोनों कश्मीर में घूम सकते हैं ना इकट्ठे? इतनी सेटिंग, नंगे भी, इतनी सेटिंग, नंगे भी, इतनी सेटिंग, नंगे भी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पक्की बात है? ठीक है गाइस, सो गाइस अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, देख सकते हो, देख सकते हो, हम सैंडविच खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं और ये खा रहे हैं अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ओके? लेकिन आपका भाई प्योर वेजिटेरियन है, दैट्स व्हाई नहीं खा रहे हैं। और दूसरी चीज भाई, लाइट इसलिए खा रहा हूँ, पूरी भी बनी थी, आलू भी बने थे, लेकिन आपका भाई इसलिए खा रहा है क्योंकि रात को भाई जो गैस बनी है ना भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, नेक्स्ट लेवल। कैसे बनी? हाँ, कैसे रात को बहुत गैस बनी है भाई, पता नहीं कैसे बनी है भाई। तो गाइस अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जय वैली की तरफ, और जय वैली में ना मतलब बिल्कुल सिग्नल सुगनल नहीं होता है, तो भाई उसके लिए हम बैट बॉल वगैरह लेकर जा रहे हैं स्पेशल, वहाँ पे बैट बॉल बूट बॉल खेलेंगे। सही बात है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा बैट बॉल खेलने में। चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जय वैली में, और भाई आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जय वैली कैसी है, जिस तरह से व्यू चेक कर सकते हैं आप। और रास्ते में आपका भाई सो गया था, और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहा है, और ठंड बहुत है यार, ठंड लग रही है, बर्फ होती तो और मजा आता। जी क्या हाल है? बढ़िया जी, शहर से निकल नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो? मेरे दोनों बेटे बहुत फैन है। सच में? बिल्कुल। कौन कौन है आपके दो बेटे? एक सक्षित और सिद्धांशु। लव यू मेरे भाई, गाइस लव यू भाई। सो गाइस इस वक्त सौरभ भाई हमारे एंकरिंग करते हुए, और अभी हम म्यूजिकल चेयर खेलने वाले हैं। बोलते रहेगा भाई साहब,
रक्षण धूमपुर से ब्लॉगर है, पुलर डॉन कहते हैं। जोरदार ताली हो जाए रक्षण के लिए प्लीज। और गाइस अभी जस्ट आपको भाई गेम खेल ही रहा था, ये हमें लड़की मिली हुई है, इससे मैं पहले भी मिला हूँ, हम भी हम कॉलेज में वैलेंटाइन्स डे वाले दिन। ठीक हो, क्या चल रहा है आपकी? उससे ली नहीं आई वो वाली वो नहीं आई। अच्छा आप भद्रमा नहीं हो? भद्रमाई जा भद्रकाशी। और आपका नाम? हाँ जी आरजू। बहुत अच्छा लगा, मेरी मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरी सारी आरजू पूरी पूरी हो गई। इंट्रोड्यूस कराओ मुझे। बहने सारी बहने, आरजू बायोलॉजिकल मतलब रियल रियल। अच्छा अलीबा, अलीबा जी नमस्ते। ठीक है, लगी रहा है, लगी रहा है। ये सबसे बड़ी है लेकिन सबसे छोटी लग रही है, निकली सबसे छोटी है, सबसे बड़ी लग रही है। वाह की वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। भाई आपको एक लड़की से मिलाना चाहता है, हाँ, जो छपड़ी कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लड़कियों के साथ क्यूट घर वाला कंटेंट बनाते हैं। हम नहीं बनाते, हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है ना। तो यहाँ पे हमें भद्रवा की लड़की मिली हुई है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, इसका नाम है भद्रवाई गर्ल, भद्रवा वाली। सॉरी यार, अब मुझे सच में लग रहा है बातें करता है स्लोला है, क्योंकि ये इनको आधी से ज्यादा चीजें मेरी याद भी नहीं है, हालांकि इन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे हुए हैं, सब कुछ देखा हुआ है मैंने, स्टिल इनको याद ही नहीं है, थोड़ी मेमोरी प्रॉब्लम है। अंकल जी अगर आप ये देख रहे हो ना, दो तीन और यहाँ पे लगा दो, थोड़ी मेमोरी इनकी मेमोरी वापस आ जाए। मेरे को अंकल जी का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं सच में उनकी दिल से मतलब इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ ना, जैसे मैंने उनके ब्लॉग्स देखे, उनकी बातें सुनी है, सच में अंकल आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। आप और मेरे लिए आप उनके बेटे हो तो ऑब्वियसली नहीं, मेरे लिए दो शब्द अच्छे से, बहुत अच्छे से शब्द, जो कंटेंट के लिए इतनी मेहनत करता है ना, चाहे उसको दुनिया वाले कुछ भी बोल रहे हो, बट आप इतनी डेडिकेशन से काम करते हो तो वो चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी। मैंने पैसे नहीं दिए इस लड़की को, ये अपने मन से बोल रही है, क्योंकि भद्रवाह के जो लोग होते हैं वो दिल के भी बहुत साफ होते हैं और दिखते भी अच्छे और होते भी इतने अच्छे, कसम से होते भी इतने सुंदर है। आप भद्रवाही लोग हैं सुंदर है ना, भद्रवाह भी बहुत सुंदर है और भद्रवाही लोग भी बड़े सुंदर है, कसम से मजाक नहीं। भद्रवाह इज लव, फील द पावर ऑफ भद्रवाह माय फ्रेंड। और गाइस मैं आप लोगों को बताने जाता हूँ, भद्रवाह में इतनी ठंडा, मैं क्या बताऊँ, मतलब यार यहाँ के लोग मेरे को लगता है पिछवाड़ा कैसे धोते होंगे भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रही है भाई। भैया कैसे धोते होंगे भैया ने पिछली बार कुछ बताया था मुझे, भैया कैसे धोते होंगे? पिछली बार बहुत पत्थर से। और गाइस आप देख सकते हो भी हमारे साथ कौन है, डिप्टी डायरेक्टर साहब टूरिज्म सर, क्या बोलना चाहते हो आप? नमस्कार, आदाब, रक्षेश, वेलकम टू भद्रवाह। मैं डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म ये बताना चाहूँगा कि आज हमारा यहाँ जय वैली में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही है। करी आज यहाँ जय वैली में है, कल और परसों दो दिन गुलडंडा में है। 31st को जो है हमने सेलिब्रिटी सिंगर काका को बुलाया हुआ है और उसके साथ साथ हमारे लोकल परफॉर्मर्स भी हैं। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि जो भी नेचर की चीज़ है उसको नेचर की तरफ रखा जाए, संभाल के रखा जाए। टल्स ये लिफाफा वगैरह सब उठाकर डस्टबिन में डालिए। स्वच्छ भारत। यस सांप को बचाने के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। भैया सांप को कुछ हो जाता ना तो मेरा कुछ नहीं रहता, आपका कुछ नहीं रहता, कसम से। क्या बोल रहे बेचारे भैया ने बहुत मार खाई है, इनको सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मार खाई है देना, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था या मेरी बेइज्जती थी? दोनों स्वीट कॉम्प्लीमेंट है, इन अ क्यूट वे। भैया हम ज्यादा तो नहीं चिपक गए थोड़े से? बिल्कुल प्यार है भाई, प्यार तो है, कुछ और ना हो जाए। नहीं होगा, फ्लो में नहीं, इतना मत चिपको ना, इतना क्लोज में किसी के नहीं आया हूँ। चलो आज आ गए, आज आपको कुंडी लगा दे सही है, तुझको जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाना चाहते हो आप मुझे?
पहचान आप बताइए। पहचान नहीं आ रही क्या? हाँ जी पहचान भाई। सो गाइज अभी इन सब ने मेरे को चाय पार्टी ऑफर की है, चाय ऑफर की है, तो चाय पार्टी चल रही है हमारी। तैनू दिल नाल सजा लाके रखूंगा, खुशियां दाऊंगा, पहरेदार हो गया। आपके भाई को तो एक ही बात का डर लग रहा था, कहीं सिर के ऊपर डंडा ना पड़ जाए। सही बात है, ये चीफ गेस्टों के ऊपर ना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। थैंक यू भाई, आई एम बिग फैन। नहीं नहीं भाई, ये सारे लव यू। ये दूरियां फिलहाल है, लव यू। सो गाइस अभी का सीन ऐसा कि अभी आपका भाई ट्राई करने वाला है भद्रभाई फूड, भद्रभाई का ट्रेडिशनल फूड। जैसे हमारे डोगरों की ट्रेडिशनल फूड होता है कलाड़ी राजमा चावल, वैसे डोगरों की ट्रेडिशनल फूड होता है जैसे क्योर होता है ना, वैसे भद्रभाई की चिटलोई होती है, तो वो खाने जा रहा है। हां चिटलोई भाई, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूं चिटलोई कैसी होती है, और यहां पे आपको दिखाता हूं कि कैसे बनती है चिटलोई। और यहां पे चेक कर सकते हैं आंटी लोग बैठे हुए हैं, कैसे बना रहे हैं चिटलोई आंटी, कैसे बना रहे हैं इसको कड्डो, पहले स्टार्टिंग से बना रहे हो। सो गाइस चिटलोई बनने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए पुट्ठा काला तवा, नीचे आपको आग लगानी है। जैसे गाइस समझ रहे हो ना, जब आपकी मशूक, जब आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बात करती है, किसी और लड़के से बात करती है, तो आपको कितना कितनी जलन पड़ती है, कितनी आग लगती है, यही वो चीज है। ऐसे बनाएंगे, ये आर्ट है भाई, चकिंग पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। ये जो आपने लेप लगाया किससे बनता है? ये बनता है जी आटे का और मैदे का। और ये बन चुकी है हमारी शिटलोई। जब इसको क्लोज करते हैं शिटलोई को, तो इसको बोलते हैं, जब ये रिंग बन जाता है उसको बोलते हैं शुभ शुभ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देख सकते हो ये आंटी है, ये इनके हस्बैंड है। अंकल अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट करते हैं भाई, हर चीज में बता रहे हैं अंकल सपोर्ट। हां जी हां जी, आप बीजेपी के हो? मैं मोर्चा के मंडल प्रधान भी हूं। जय हिंद मैम। ठीक है तो आंटी एक भद्रभाई गाना हो जाए। कश कश के रिचे मेरी जान, टारू टारू नहीं हो तक नो, कश कश के रिचे मेरी जान, टारू टारू नहीं हो तक नो। ये आपने जो भी बोला ना समझ में नहीं आया, लेकिन मजा आया, पर बहुत अच्छा लगा आंटी का समझे। ठीक है आंटी जी, मलिया मैं सारे में सब बोलेंगे, सारे में सब बोलेंगे महिला मोर्चा। नहीं ये मैंने कहीं इसमें कहीं मैंने पॉलिटिक्स थोड़ी करा दी। नहीं वो हकीकत में महिला मोर्चा बीजेपी वाले ये। सो गाइस अभी देख सकते हो ये हमारी शिटलोई बनके तैयार हो चुकी है। अभी आंटी इसमें क्या डाल रही है? क्या ये होता है जो पानी बनाते हैं, जिसको हम इसमें डालते दूध और घी, चाशनी, चाशनी बनाते, चाशनी चाशनी। सो गाइस ये आ चुकी है मेरी शिटलोई गिल्ली होकर। भद्रवाही नूडल्स भी बिल्कुल। फील द पावर ऑफ शिटलोई माय फ्रेंड। जोश आ गया है, हां तू कहां से उठ। नेक्स्ट लेवल भाई, मतलब इसी के पास है भाई। अगर आप लोग भद्रवाही भद्रवा आते हो और अगर आप लोगों ने शिटलोई ट्राई नहीं की है, तो भाई आप फिर भद्रवा आए क्यों? ठीक है ना भाई, ये नेक्स्ट लेवल चीज है, खतरनाक चीज है, मजेदार चीज है, चुम्मेश्वर चीज है। आपको कसम है पीछे से डालो। हाँ डालो पीछे से, और डल गया, डल गया ना पीछे से भाई, पीछे से डल जाता है। यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो? वेलकम टू भद्रवा। तेरी एनर्जी मेरी ऐसी क्यों है? पता नहीं। वाकई क्या नाम है आपका? अर्पित। जय श्री राम। जय श्री राम। ज्यादा कितने बड़े मेरे में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? आप ही अच्छे लगते हो, सीधी बात बस, आप ही अच्छे लगते हो। और गाइस जस्ट हम वापस आ चुके हैं इवेंट से, कल फिर से इवेंट है, और यहाँ पे हमें सर दिखे हुए हैं, और सर मेरे को लगता है सर की पूरी दुनिया फैन होगी, लेकिन सर मेरे फैन बन चुके हैं। यस यस, मैं बहुत फैन, मतलब यू आर टू मच, सो मच एक्टिव गाय, कि आज आपने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो आज दिन को किया वहाँ वो इतना अच्छा था ना, आई कांट एक्सप्लेन।
तो अभी आप यहाँ आ चुके हो कहाँ? साज वैली में। हाँ जी। ये साज वैली जो है ये बहुत बढ़िया वैली है। हाँ जी। आप देख सकते हो यहाँ कैसे लिखा हुआ है आई लव भद्रवा। हाँ जी। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो साज वैली के ओनर है हाँ। वो सामने बैठे हुए है। हाँ जी। मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। दिन बहुत अच्छा रहा सर की बदौलत। बाकी यहाँ पे अगर आप भद्रवा कभी भी आओ साज वैली रिजॉर्ट में जरूर आओ। मुर्गे की टांग कैसे उठाई जाती है? ये देखिए। हाँ। ये है देसी चिकन। तो सर अभी बाइट लेंगे और आपको बताते हैं स्वाद कैसा है। ठीक है सर। ये देखिए उसका टेस्ट जो है कि जो भी खाएगा वो साज वैली को याद करेगा। सच में वाकई है। अब सर ने बोल दिया तो स्वाद है तो है भाई। ठीक है अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें।